कलेक्टर के पास पहुंचा नगर निगम का कांग्रेस पार्षद दल। कमिश्नर महापौर से उचित कार्यवाही की मांग, भाजपा की गाय कांग्रेस के पाले में। रीवा नगर निगम परिसर में कुछ दिन पूर्व 6 गांवों को रात के अंधेरे में गाड़ दिया गया था। कांग्रेस पार्षद दल ने इस मुद्दे में पूरे नगर निगम प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर दिया था। मौका भी था, दस्तूर भी था। हर आदमी जानना चाहता था गाय किसने गाड़ी, गाय जिंदा थी या फिर मर गई थी। यह सब तब पता चलता जब उसकी विधिवत जांच होती, लेकिन नगर निगम प्रशासन ने आनन फानन में MEC की बैठक बुलाकर एक सोची समझी रणनीति के तहत 5 डेली वेजेस कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया। वहीं नगर निगम के परिसर के 3 चौकीदारों को भी निलंबित कर दिया गया। एक अधिकारी को भी बलि का बकरा बना दिया गया। रीवा दर्शन सहित पूरा शहर जानना चाहता है, जब गाय गाड़ने की जगह नहीं तो गाय कहाँ गाड़ी जानी चाहिए थी, इसमें दोषी किसको होना चाहिए था। राम जानकी मंदिर के सामने गाय गाड़ने का आदेश किसका, शहर को सड़ान से मुक्ति दिलाने का काम कब और कहां, इन्हीं सारी बातों को लेकर कांग्रेस का पार्षद दल कलेक्टर के पास पहुंचकर ज्ञापन सौंपकर उचित कार्यवाही की मांग कराया। नगर निगम में बोले घर में नहीं बटेगा, आप नगर निगम भेज दिए, पब्लिक को नगर निगम भेज दिए। मैडम उनका मैडम मैं आपको बता रहा हूँ, इतनी आवश्यकता है, हम लोग क्या क्या सिखाई किससे करें, ना कभी मोरिट जाता ना कभी टाइम कीपर जाते। मैम मेरा एक सेकंड में बात, बस एक सेकंड में बात खत्म कि जो स्मार्ट सिटी के कार्ड बटते हैं, जहाँ भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं वहाँ भारतीय जनता पार्टी का पार्षद बांटे, जहाँ कांग्रेस के 14 पार्षद हैं वहाँ उनके सदस्य बांटे। हमारा पार्षद जो 3 बार से 4 बार से जीत के आया वो नहीं बांटे, ये तो ये दोहरा मापदंड नहीं थी। मेन असली बात यहाँ जो फंसी है वो ये फंसी हुई है कि उन्होंने क्या किया कि नहीं देते, साथ में तो नहीं देते। नगर नियम के अंदर जो शहर के अंदर मृत मवेशी हैं उनका सहग्रह बना दिया गया था, उसी संबंध में हम कलेक्टर साहब से निवेदन करने आए थे कि पिछले 8 दिन से जांच पे जांच चल रही है और ये जनता जानना चाहती है कि दोषी कौन है। अगर अभी तक जांच नहीं हुई है तो महापौर और आयुक्त के खिलाफ और बुद्धा सिंह को के ऊपर FIR दर्ज हो, और नहीं तो कांग्रेस परिवार और कांग्रेस संगठन के लोग रीवा में जन आंदोलन करें। जो 12 तारीख को नगर निगम परिसर में गाय निकाली गई और सफाई गोदामों से गाय निकाली गई, उस पर नगर निगम कमिश्नर ने 5 जो डेली वेज के श्रमिक थे उनको बर्खास्त कर दिया, मास्टर के श्रमिकों को, और डेली वेज वालों को 3 को सस्पेंड कर दिया, और अपनी वाहवाही के लिए स्वास्थ्य अधिकारी को भी सस्पेंड कर दिया। उसमें विशुद्ध रूप से अगर कोई दोषी है तो रीवा की नगर निगम की महापौर और निगम निगम के आयुक्त RP सिंह और सफाई गोदाम प्रभारी बुद्ध सिंह, जिनके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। आज हम पार्षद दल इस विषय के लिए आए थे कि अगर 2 दिन के अंदर इनके ऊपर दोनों के ऊपर आयुक्त नगर निगम और गोदाम प्रभारी बुद्ध सिंह के ऊपर कार्रवाई नहीं की गई तो रीवा शहर में एक जन आंदोलन खड़ा हो जाएगा और जिसकी जवाबदेही प्रशासन की होगी।